स्वागत है बेटा आप सभी का एक बार फिर से TNI के मंच पे। हम कर रहे हैं सोशल डेवलपमेंट की एरिक एरिक्सन की थ्योरी, जिसमें काफ़ी कुछ हम कंप्लीट कर चुके हैं। आप लास्ट वीडियो देख सकते हो बेटा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। हमने सेकंड वाला है जो ये कंप्लीट कर लिया था, सेकंड जो स्टेज है इन्होंने दी थी, कौन सी दी थी, ऑटोनोमी वर्सेस शेम, ठीक है। एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। इसमें बच्चे को प्रॉपर टाइम पर फीड मिलता है तो उसको माता पिता के लिए ट्रस्ट पैदा होता है, नहीं तो मिसट्रस्ट। सेकंड वाली स्टेज में यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, जो बच्चे आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वर्च्यू होता है यहाँ एग्जाम में आ जाता है। इसमें गुण क्या होता है, आशा, और जो इम्पोर्टेंट इवेंट क्या होती है बेटा, फीड, मतलब आहार। बच्चे को अच्छे से आहार कराया जाएगा, प्रॉपर फीड कराया जाएगा, तो बच्चे में एक उम्मीद होती है, जो उम्मीद पूरी हो जाती है। और उम्मीद किससे होती है, पेरेंट्स से। यू का यू एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि इम्पोर्टेंट इवेंट है जो फीड की, वो कौन सी स्टेज में होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, प्रॉपरली अपने नोट्स में ऐड करना है, हिंदी इंग्लिश मीडियम कोई भी हो आपका, प्रॉपरली। मैंने देखो कितने अच्छे से नोट्स रेडी किए हैं यहाँ, और कोई भी टीचिंग रिलेटेड एग्जाम हो, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है ये वाली सीरीज। आगे बात करते हैं हम, अब करेंगे थर्ड स्टेज बेटा, सेकंड थोड़ा सा समझ लेते हैं, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, उससे आगे वाली बेटा ऑटोनोमी वर्सेस शेम। यहाँ पर इम्पोर्टेंट इवेंट क्या होती है, टॉयलेट ट्रेनिंग, और मेन जो वर्च्यू क्या होता है यहाँ, मेन गुण होता है इच्छा। बच्चे को किसी काम को करने की इच्छा होती है, अगर खेलने कूदने कुछ करने के लिए प्रॉपर अवसर दोगे बच्चे को, स्वायत्तता पैदा होगी, मतलब ऑटोनोमी डेवलप होगी। अगर आप बच्चे को प्रॉपर अवसर नहीं दोगे तो क्या होगा, बच्चे में शेम उत्पन्न होगा। इसको मैंने पिछली वीडियो में प्रॉपर बहुत अच्छे से 2-3 एग्जाम्पल के थ्रू इस वाले पॉइंट को समझाया है, आप वहाँ देख सकते हो। यहाँ दोबारा समझाने लग गए बेटा तो वही वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट देखो, ये करेंगे आज हम इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। पहले वाली जो अवस्था थी वहाँ पर बच्चे को ऑटोनॉमी मतलब स्वायत्तता दी गई, अगर बच्चे में ऑटोनॉमी डेवलप हो गई तो बच्चा चीज़ों को इनिशिएटिव लेना शुरू करेगा, मतलब इनिशिएटिव मतलब पहल, अपने आप आगे आकर काम करने की कोशिश करेगा। जैसे इसे पीछे वाली स्टेज में बताया था, बच्चा दीवारों पर पेंट कर रहा है, आप उसको रोक रहे हो, नहीं दीवारें खराब हो जाएंगी, बहुत गलत बात है बेटा। एज ए पेरेंट्स आप भी सुन लीजिए, फ्यूचर में ऐसा कभी भी नहीं करना आपको, बच्चा जो कर रहा है उसको करने दो, अपने आप ठीक। आप मत बोलो कि बेटा ये बनाओ, पर बच्चे में एक नेचुरल होता है, कुछ करने की इच्छा होती है बच्चे में अपने आप, उसमें था ना विल, एक इच्छा होती है बच्चे में। आप उसको रोकोगे तो बच्चे के हर तरीके के डेवलपमेंट पर प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। आप अगर पीछे वाली स्टेज में अगर बच्चे में स्वायत्तता डेवलप हुई है तो अपने आप हर काम को इनिशिएटिव लेना शुरू करेगा। एज ग्रुप है 3 से 6, घर के कामों में थोड़ा थोड़ा कंप्लीट, मतलब आप जो कहोगे ना उस काम को बच्चा मना नहीं करेगा, इतना बच्चे में इनिशिएटिव आ जाता है कि मैं करूं, अपने आप आ गया कि मैं करूं ये काम, ठीक है। बताया था ना जो पीछे वाली स्टेज है उसका आगे वाली स्टेज पर प्रभाव पड़ता है। जिन बच्चों में स्वायत्तता उत्पन्न होती है वो धीरे धीरे उनमें पहल क्षमता उत्पन्न होने लग जाती है, और नहीं होगी तो अपराध बोध विकसित हो जाता है कि मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रहा हूं, मेरे साथ के बच्चे कर रहे हैं। पीछे वाली एज में अगर प्रॉपर टॉयलेट ट्रेनिंग नहीं दी गई तो यहाँ भी स्कूल जाने लग जाएंगे बच्चे, प्ले स्कूल में, वहाँ पर जाके पजामी निक्कर में करके आएंगे, अपने आप उनको एक शर्म महसूस होगी क्योंकि पीछे वाली एज में ढंग से उनको वो चीज़ सिखाई नहीं गई। अगर सिखाई गई होती अपने आप इनिशिएटिव लेंगे कि हाँ मुझे ये काम करना है, मुझे खुद करने दो। इस एज ग्रुप में बेटा स्कूल के लिए रेडी करते हैं ना बच्चों को, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं बिल्कुल एक एक काम उनको करके देना पड़ता है, जैसे कपड़े पहनाना है, शूज, सॉक्स, खाना खिलाना, एवरीथिंग पेरेंट्स करके देते हैं, जबकि बच्चा अपने आप उस काम को करना चाहता है। पीछे वाली एज में ही विल थी, है ना, एक वर्च्यू थी विल, अपने आप काम करना चाहता है, पेरेंट्स ने करने नहीं दिया, अभी भी नहीं करने दे रहे हो आप उसको। और जब बच्चा 6 साल से ऊपर हो जाएगा ना तब उम्मीद करोगे कि ये बच्चा कर ले, तब वो नहीं करेगा, क्यों, चीजों को इनिशिएटिव ही नहीं लेगा वो। जबकि इस एज में मेरा भी है इस एज ग्रुप का बच्चा, आप बच्चे को छोड़कर देखो वो अपना खाना पीना अपने आप खाता है, उसके सामने रखो, ठीक है, उसको बोलो खाना खा के बर्तन रख के आओ, अपने शूज उठा के लाओ, सॉक्स पहनो, जैसे शर्ट वगैरह ये चीजें भी पहनना शुरू कर देता है बच्चा। मौका तो दो उसको, और मौका दोगे किसी ना किसी उद्देश्य के लिए काम करेगा बच्चा, और खोज कुछ ना कुछ नई चीजें खोज करेगा बच्चा, इन्वेंशन करेगा।
तो क्लियर है बेटा ये वाला पॉइंट, धीरे धीरे अपने आप पहल करेंगे। पीछे वाले स्टेज में ऑटोनोमी आई है तो यहाँ पर पहल क्षमता अपने आप हो जाएगी। अगर वहाँ पर ऑटोनोमी डेवलप नहीं हुई तो यहाँ पर इनिशिएटिव नहीं लेगा बच्चा चीज़ों को, ठीक है। अगर बच्चा चीज़ों को इनिशिएटिव लेने लग गया इससे पीछे वाली स्टेज, अब क्या होगा, वो पहनती बन जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आता है कई बार कि कौन सी स्टेज होती है, स्कूल वाली स्टेज एरिक एरिक्सन के अकॉर्डिंग ये वाली होती है बेटा, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी। क्यों, 6 से 12 साल का टाइम पीरियड है, अभी प्रॉपर प्राइमरी स्कूल की एज हो चुकी है बच्चे की। जो बच्चा पहल करने लग गया, हर अवस्था इस पहले वाली अवस्था से जुड़ी हुई है, पहल करने लग गया धीरे धीरे वो मेहनती बन जाते हैं, और जो पहल नहीं करते उनमें हीन भावना पैदा होती है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। मेन वर्चू क्या है यहाँ पर, क्षमता। जो बच्चे चीज़ों को इनिशिएटिव लेते हैं वो मेहनती बनते हैं, मेहनती बनेंगे तो अपनी क्षमता का पूरा प्रयोग करेंगे वो, और इम्पोर्टेंट इवेंट क्या है यहाँ पर, स्कूल जाने लग जाते हैं, ठीक है। क्या करते हैं इम्पोर्टेंट इवेंट बेटा, यहाँ स्कूल जाने लग जाते हैं बच्चा। फोर्थ पॉइंट हो गया, मैंने ये पिछली लास्ट वाली वीडियो में अच्छे से सारे के सारे पॉइंट एक बार समझाए भी थे, दोबारा फिर से कर रहे हैं। फिफ्थ पॉइंट, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। जो बच्चे मेहनती बनते हैं, यानी कि उनको आदत पड़ गई मेहनत करने की, पढ़ाई लिखाई करने की, काम वगैरह करने की, अब वो अपनी पहचान बनाते हैं। जैसे कि 6 से 12 साल तक की एज थी, इसका एक एग्जांपल दो, बच्चे इंडस्ट्री मतलब इंडस्ट्रियस बने हैं, मेहनती बने हैं, आगे जाकर अपनी पहचान बनाएंगे। छोटे छोटे घर के कामों से शुरुआत होती है बेटा, बच्चे को अपना काम अपने आप करना सिखाना एज ए पेरेंट। आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पेरेंट्स ऑलरेडी होंगे भी, और फ्यूचर में तो बेटा होना ही है, तो सभी के लिए समझने की बातें हैं ये। आपका सीटेट या कोई भी पेपर है, क्वालिफाई हो चाहे ना हो, सीडीपी एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसको पढ़ने के बाद आप अपनी लाइफ में अपनी सोच में भी चेंजेस को देखोगे बेटा, इन चीज़ों को अप्लाई भी करना होता है। ये आपको इसीलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि आपको फाइनली जाके बच्चों को पढ़ाना है, स्कूल में रूबरू होना है उनसे, आपको पता होना चाहिए कि बच्चा कौन सी अवस्था से गुजर रहा है, उसका कितना संज्ञानात्मक विकास हुआ है एज के अकॉर्डिंग, कितना उसका इमोशंस का, भाषा का, या फिर समाज का कितना कितना विकास हुआ, हर चीज़ का कौन सी स्टेज पर खड़ा है बच्चा, हर चीज़ के बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए, ताकि आप बच्चे से ज़्यादा उम्मीद ना करें समय से पहले, ठीक है। और अगर बच्चा प्रॉपर एज के अकॉर्डिंग नहीं कर रहा तो उसके रीजंस को भी फाइंड आउट कर सके। डन। जैसे यहाँ 6 से 12 साल तक की अवस्था होती है, लड़कियां हैं लड़के हैं, सभी पेरेंट्स को अपने बच्चों को काम पे लगाना चाहिए बेटा यहाँ, ठीक है। जैसे स्पेशली मान लीजिए घर के काम होते हैं, झाड़ू लगाना है, पोछा है, बर्तन है, बेशक आपके घर में कितने ही नौकर काम करते हो, अपने बर्तन उठा के खुद रख के लाना ये तो बल्कि 3 से 6 साल की अवस्था होती है, वहीं पर सिखा देना चाहिए। स्पेशली मैंने देखा, एक एग्जांपल था, रियल लाइफ एग्जांपल, 6 से 12 साल तक की अवस्था है। नॉर्मली जो हमारा समाज है आज भी ऐसा ही है कि लड़कियों से ही ये उम्मीद की जाती है कि फाइनली घर उनको ही संभालना है जाके, चाहे वर्किंग है नहीं है। आज का समय बहुत चेंज हो गया, जो हस्बैंड है साथ में वो भी बराबर की हेल्प करवाते, सारे काम करते हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी होती है, मैं स्टीरियोटाइप की बात नहीं कर रही बेटा, कुछ चीज़ें ऐसी, मेरा पर्सनल है ये ओपिनियन, ठीक है। यहाँ तो जैसे किसी की बेटी थी, इस एज में उस बच्चे से काम नहीं करवाया मदर ने, ठीक है। जैसे बर्तन वगैरह धोना है, कोई हमेशा कोई घर पे मेड है, कोई हमेशा अवेलेबल नहीं होता, बहुत से काम हमें अपने खुद भी करने पड़ते हैं, नहीं करवाया। अब बच्चा हो गया 16 साल का, 15 से 16 साल के बीच में, क्या कहा मदर ने, बेटा बर्तन धो ले। मेरे सामने की बात है, बच्चे ने पता है क्या कहा, पोलोथिन बांध के आए हाथ पे ऐसे, अपने बर्तन, अपना खाना खाया हुआ, अपना जूठा, अपनी फैमिली का, ठीक है। पोलोथिन लगाई, पहले तो मना ही कर दिया, मुझसे नहीं होगा, मुझे, जैसे हमारे इधर एक लोकल लैंग्वेज में एक वर्ड बोला जाता है, किसी चीज़ से घिनाती है ना, कि सूगा रही है मुझे, घिना रही है, एक शब्द प्रयोग किया जाता है भाषा में, घिना रही है मुझे कि मुझसे हाथ नहीं लगाया जाएगा। फिर ज़्यादा जब उसको धमकाया गया तो पोलोथिन बांध गया ही हाथ पे, ठीक है, पोलोथिन लगा के फिर उन बर्तनों को सफाई करना शुरू किया। उस टाइम पर वाकई में देखने लायक हालत थी, क्यों, इस एज ग्रुप में जाके अब तो बच्चा एडोलेसेंस में आ गया, अब तो आप करवा ही नहीं सकते, मेहनत करने की तो बच्चे को आदत ही नहीं हुई है, उसने चीज़ों को इनिशिएटिव लेना शुरू ही नहीं किया। और ये एग्जांपल ऐसा नहीं है, इसको नेगेटिव मत समझना कि लड़की के लिए है या कुछ जेंडर स्टीरियोटाइपिंग की बात कर रही हूँ मैं, ये एक एग्जांपल था रियल लाइफ, इसीलिए मैंने आपके साथ शेयर किया। ये सेम सिचुएशन लड़के के साथ भी हो सकती है, लड़के अकेले रहते हैं बेटा, खाना बनाते हैं, अपने बर्तन कपड़े झाड़ू पोछा सब कुछ करते हैं लड़के, हॉस्टल वगैरह में रहते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, हर जगह पीजी भी नहीं मिलता, कब करेंगे वो, अगर उन्होंने बचपन से कुछ किया होगा तभी तो करेंगे, अदरवाइज गैस चलानी भी नहीं आती। तो एक
शुरुआत तो घर के कामों से ही होती है, ठीक है, तो ध्यान रखना आपको भी इस चीज का। तो अगर बच्चे मेहनती बनेंगे तो अपनी पहचान बना लेंगे, 12 से 18 साल की एज में पहचान बना लेंगे तो क्या होगा बेटा, पहचान बना लेंगे, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। और नहीं बनाई तो ब्रह्म वाला जीवन, सारी उम्र में ये नहीं पता होगा मैं करना क्या है, मतलब जैसे जो एरिक एरिक्सन के अकॉर्डिंग ये वाली एज होती है उनके अकॉर्डिंग, सभी के अकॉर्डिंग बात नहीं कर रही मैं, इसमें सेट हो जाता है प्रॉपर गोल कि बच्चे को डॉक्टर बनना है, टीचर बनना है, ठीक है, एक्स वाई जेड जिस भी लाइन में जाना है, सिंगर बनना है, साइंटिस्ट, कुछ भी बनना है बच्चे को, फाइनल हो जाता है, उसकी लाइफ सेट हो जाती है, हो जाती है तो ठीक है, नहीं होती तो रोल कन्फ्यूज़न होता है बच्चे को, मतलब भूमिका कि मुझे करना क्या है अपनी ज़िंदगी में। पर देखिए जब हम इसकी करेंगे लिमिटेशन करेंगे तब इसके बारे में डिस्कस करेंगे, कुछ चीज़ें ऐसी हैं ज़रूरी नहीं है कि 18 साल तक ये चीज़ें सेट हो जाएं, ज़रूरी नहीं है, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है बेटा ज़िंदगी में सोचा कुछ और होता है, बन कुछ और जाते हैं, जरूर हमेशा ऐसा नहीं होता कि रोल कन्फ्यूज़न में ही रहें, उसके बाद पहले वाला काम जो हमने चूज़ किया था वो हमारे लिए सही नहीं होता, उसके बाद जो हमने अपना काम चूज़ किया होता हम उसमें इतने आगे निकल जाते हैं, बहुत ज़्यादा कि सोचा भी नहीं होता। तो एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं बट इनके अकॉर्डिंग है, तो यहाँ पर ये थोड़ी सी लिमिटेशन बनती है क्योंकि जो आजकल तो देखिए 25-30 साल तक बच्चे सेट नहीं होते, ठीक है। तो एक पॉइंट और क्या है, यहाँ एक वर्च्यू है, यहाँ क्या है, निष्ठा, फिडिलिटी, और इम्पोर्टेंट इवेंट क्या है, सोशल रिलेशनशिप। इस एज में बच्चा जो रिश्ते बनाता है, दोस्ती करता है, उनको दिल से निभाता है, ठीक है, ये यहाँ का एक गुण है, निष्ठा है अपने रिश्तों के लिए, और इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है, किया था ना एडोलेसेंस सोशल डेवलपमेंट वाले में भी बच्चे अपने दोस्त बनाना शुरू कर देता है, दोस्तों के साथ बातें शेयर करता है, ज़्यादा से ज़्यादा समय उनके साथ व्यतीत करता है, ठीक है। अगला पॉइंट है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, जिन बच्चों ने अपनी पहचान बना ली, जिन लोगों ने अपनी पहचान बना ली, अब वो अपनी लाइफ को सेट करते हैं, किस तरीके से सेट करते हैं, रिलेशनशिप में आकर, जैसे शादी वगैरह कर लेते हैं, इंटीमेट रिलेशनशिप होता है उनका, ठीक है, और यानी कि लव है यहाँ पर मेन इम्पोर्टेंट इवेंट है, जो वो वर्चू है, लव और इम्पोर्टेंट इवेंट है बेटा इंटीमेट रिलेशनशिप, पीछे से सारी चीज़ें ठीक होती आ रही हैं तो बच्चा इस अवस्था तक पहुँचता है, अदरवाइज आइसोलेशन, क्योंकि एज ग्रुप है 18 से 35 साल, अलग थलग हो जाएगा, अगर प्रॉपर लाइफ पार्टनर नहीं मिलेगा बच्चे को तो अलग हो जाएगा, नशे वगैरह करना या फिर अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर लेना, इस टाइप की चीज़ें होंगी बेटा, क्योंकि अकेला इंसान नहीं रह सकता ना, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है जो इंटीमेट रिलेशनशिप है वो इम्पोर्टेंट इवेंट है, कौन सी स्टेज का, कौन सी स्टेज है, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखो अगला पॉइंट है, लास्ट सेकंड पॉइंट, प्रोडक्टिव वर्सेस स्टेग्नेशन, क्या है यहाँ, अगर सही से बच्चा इंटीमेट रिलेशनशिप में है, ठीक है, आप 18 से 35 साल की अवस्था है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर रिलेशनशिप में नहीं है तो आइसोलेशन में चला जाएगा, अगर सही से रिलेशनशिप में है, बच्चे ने अपनी सही से पहचान बना ली, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन था ना, पहचान बना ली, रिलेशनशिप बन गया तब वो जो अपना परिवार है उसके लिए प्रोडक्टिव होगा, जनरेटिविटी, ठीक है, उत्पादनशीलता होगी, कुछ कमाएगा, अपने बच्चों को पढ़ाएगा लिखाएगा, कुछ ना कुछ करेगा, मतलब कमाने की एज यही होती है 18 से 35 साल, ठीक है, क्या करेगा, साधन, आने वाली पीढ़ी का मार्गदर्शक करेगा, सॉरी 35 से 65 बेटा, 18 से 35 थी से पीछे वाली, 18 से 35 था इंटीमेट रिलेशनशिप वाला, ये है 35 से 65, यही वाला टाइम पीरियड होता है जब अपने परिवार के लिए कुछ करने की, देखो रिटायरमेंट भी तो हो जाते हैं ना 60 के आसपास, तो लगभग माना जाता है कि 65 ईयर्स तक इंसान इतना बूढ़ा नहीं होता, तो अपने परिवार के बारे में ही सोचता रहता है, डन। अगर जिंदगी में कुछ सही काम किया है, ठीक है, तभी तो उत्पादकता उत्पन्न होगी, अन्यथा जीवन ठहर जाएगा, ये जो जीवन ठहर जाएगा इसी को स्टैग्नेशन बोला गया है। यहाँ पर वर्च्यू क्या होता है, केयर, जो अपना परिवार है ना उसकी देखभाल करना, और इम्पोर्टेंट एक्टिविटी क्या होगी, वर्क करना, पेरेंटहुड, माता पिता बन जाते लगभग इस एज ग्रुप में सभी, तो अपने बच्चों की अच्छे से परवरिश करना, काम करना और उनकी देखभाल करना, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। लास्ट है ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर, यहाँ क्या होता है देखो 65 प्लस, अब इस एज में तो आके भगवान के घर से बुलावे का इंतजार करने लग जाते हैं लोग कि कभी भी बुलावा आ सकता है, ऐसी सोच हो जाती है, पर कुछ लोग तो ऐसे होते हैं इस सोच के बावजूद भी बड़े खुश रहते हैं,
और कुछ ऐसे होते हैं कि बिल्कुल टेंशन में, तनाव में, जैसे उनको फैमिली का गुजारा करना है, जबकि बच्चे बड़े हो गए, सब अपना कमा खा रहे हैं, शादी कर दी, उनको क्या टेंशन है। टेंशन पता है किस चीज़ की है? ये होती बेटा, यदि व्यक्ति ने अपने जीवन में अच्छे कार्य किए हैं तो दृढ़ता उत्पन्न होती है, और नहीं किए तो एक निराशा उत्पन्न होती है। दृढ़ता और निराशा, जैसे कि इसका एग्जाम्पल दिया था, कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे बड़े बूढ़े बैठ के ताश खेलते रहते हैं, कुछ तो बड़े मजे से, हमें कोई टेंशन नहीं है, कभी भी भगवान के घर से बुलावा आ जाए, मैंने अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से पूरी की, अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाया लिखाया, शादी कर दी, सेटल कर दिया, बहुत खुश हूँ मैं अपनी ज़िंदगी से, मैंने अपनी लाइफ में जो फैसले लिए। तो क्या होते हैं, उनमें ईगो इंटीग्रिटी होती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, सोचते रहते हैं, डिप्रेशन में जाने को भी होते हैं इस एज में, काश मैंने उस टाइम पर ये डिसीजन ना लिया होता तो आज ये होता, मेरे पास ये होता, ठीक है, शराब पी कर अपना टाइम खराब किया, मैंने अपनी फैमिली को बच्चों को टाइम नहीं दिया, तो क्या होगा, उसमें एक निराशा उत्पन्न होगी। डन होता है इस एज में जाने के बाद, अपने मतलब क्या करते हैं लोग, रिफ्लेक्स डालते हैं इस एज ग्रुप में, उन्होंने जिंदगी में जो किया है ना, इंपॉर्टेंट इवेंट क्या है, रिफ्लेक्शन ऑन लाइफ, और वर्च्यू क्या है, एक बुद्धिमता आ जाती है। किसी ने गलत काम भी किए हैं तो वो भी बड़ी समझदारी वाली बातें करने लग जाता है, सोचने लग जाता है। और एक्सेप्शन हर चीज का होता है, ये एरिक एरिक्सन के अकॉर्डिंग थ्योरी थी, ऐसा नहीं है ये बातें सबकी जिंदगी में एज इट इज यू क्यों चले, जैसा कि आपको बताया था, जरूरी नहीं है 18 साल तक ही हम प्रॉपर सेट हो जाएं, अपनी पहचान बना लें, ठीक है। तो बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो बेटा ये थी सोशल डेवलपमेंट की थ्योरी। देखो एक बार अगर हमने ये थ्योरी कंप्लीट कर ली, थोड़ा सा इसको एक बार रिवीजन कर देते हैं इस डायग्राम के साथ, फटाफट से इसको देख लेते हैं कि क्या है यहाँ, ठीक है। अब आप, मैंने पहले भी इस चीज़ को एक्सप्लेन किया था, अब एक बार फिर से कर देते हैं। पहले वाली स्टेज ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, सेकंड ऑटोनोमी वर्सेस शेम, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, और ये इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, या फिर इंटीमेटिव वर्सेस आइसोलेशन, जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, या फिर ईगो इंटीग्रेटेड वर्सेस डिस्पेयर। ये आठों अवस्थाएं हैं एरिक एरिक्सन के अकॉर्डिंग। पहली अवस्था में अगर बच्चे में ट्रस्ट डेवलप होता है तो बच्चे में ऑटोनॉमी मतलब स्वायत्तता डेवलप होती है। जिस बच्चे में ऑटोनॉमी डेवलप होगी वो चीज़ों को इनिशिएटिव लेना शुरू कर देगा। इनिशिएटिव लेगा तो बच्चे मेहनती बनेगा, इंडस्ट्रियस बनेगा। जो बच्चा मेहनती बनेगा वो अपनी पहचान बना जाएगा। जो अपनी पहचान बना गया वो सही से इंटीमेट रिलेशनशिप में रहेगा। जो सही से इंटीमेट रिलेशनशिप में है वो जनरेटिविटी अपने आगे आने वाली जनरेशन के लिए, परिवार के लिए कुछ ना कुछ करेगा। और जिसने ये काम सही से किया होगा उसकी ईगो इंटीग्रिटी होगी। और जो नीचे वाले पॉइंट है, उल्टे मिसट्रस्ट हुआ तो शेम डेवलप होगा, शेम डेवलप हुआ तो गिल्ट होगी, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आएगा, रोल कन्फ्यूजन रहेगा तो आइसोलेशन में रहेगा, एक स्टैग्नेशन रुक जाएगी जिंदगी आइसोलेशन में रहेगा तो, और स्टैग्नेशन होगा तो डिस्पेयर होगा, ठीक है। तो ये था बेटा एक रिव्यू इस थ्योरी के बारे में। आज हमारी सोशल डेवलपमेंट की थ्योरी कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, जुड़े रहिए। तब तक के लिए नमस्कार सभी को।